नमस्कार, मैं हूं जटाशंकर सिंह। आइए देखते हैं मेट्रो इंडिया न्यूज, हर खबर पर खास नजर। जी आज अर्धांगिनी के यहाँ पे गाने की रिकॉर्डिंग की आप लोगों ने, कैसी फिल्म है और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, सबसे पहले तो आप तमाम मीडिया कर्मी जो आए हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इस इवेंट को कवरेज करने के लिए सबका स्वागत करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन है, क्योंकि आप लोगों के बिना जो हम अपनी संगीत के माध्यम से जो अपनी आवाज़ पहुँचाते हैं, इसका सबसे बड़ा माध्यम आप ही हैं। और आज बहुत ही खुशी का दिन है कि अर्धांगिनी फिल्म का ये शुभ मुहूर्त हुआ है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्रोफेशनल लोगों की टीम बनी हुई है और मुझे बड़ा, इतनी सारी फिल्में हमने की, लेकिन मैं पहली बार देखा कि इस फिल्म में बहुत ही प्लानिंग, मैनेजमेंट, हालांकि ये टीम नई है, ऐसा नहीं कह सकते कि ये बहुत पुरानी टीम है, मगर क्या बहुत प्रोफेशनलिटी इन लोगों के अंदर है। रामचंद्र जी इस फिल्म के स्टोरी राइटर हैं और पिछले 3-4 महीने से हम लोग म्यूजिक पे काम कर रहे थे और निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि हमारी मेहनत जो है रंग लाएगी और बहुत ही बड़ा संगीत बनकर आने वाला है। सूरज सम्राट जी इस फिल्म के हीरो हैं और हमने उनके लिए विशेष मेहनत की है। और जैसे आपने पवन सिंह के साथ हमने फिल्म की थी दोहरने के कोनो जोड़ तू बेजोड़ बाड़ू हो, जैसे आपने मेरा थमके बरस रहा थमके बरस मेरा महबूब आने वाला सुपरहिट गीत सुना था, तो उसी श्रेणी में या उससे ऊपर आप कह सकते कि इस फिल्म का गाना बजेगा। और यूपी, बिहार और हमारे तमाम भोजपुरिया भाई जो है वो बहुत आनंद लेंगे, मजा लेंगे, गीत को सराहेंगे और बहुत ही बेहतरीन एक से एक गीत। अमन जी, कुल कितने गाने इस फिल्म में हैं और किस किस कैटेगरी के होंगे? इसमें रोमांस है और आप एक पत्नी की विरह का वेदना भी समझ सकते हैं। इसमें सब रस है, श्रृंगार रस भी है, वीर रस भी है, विरह रस भी है, जुदाई का भी है इसमें आप करेंगे, मतलब हर जितने रस हैं, तो संगीत के अलग अलग विधा के हिसाब से इसमें किया है। मेलोडी भी है, जो मेरा स्टाइल है सूफी और मेलोडी के लिए मैं विशेष रूप से जाना जाता हूँ, तो मैंने इसमें बहुत सारे प्रयोग किए हैं, बहुत पसंद आया, बहुत ही बेहतरीन है। इसमें गाने राजेश मिश्रा जी, अशोक सिन्हा जी और एक दो गीतकार हैं जिनका मुझे नाम नहीं मालूम है, उन लोगों ने एकाक अंतरे कुछ अमन जी गुनगुनाएंगे कुछ जो आपको एकदम दिल को छू गए हों म्यूजिक बनाते समय? ऐसे वो मैं सुनाऊंगा, मुझे हजार में नहीं सुनाता हूँ। ऑपोजिट हीरो की माँ हूँ, अयाज की माँ नहीं हूँ, ये मेरे एंटी पार्टी है, लेकिन पर्सनल लाइफ में मैंने घरेलू है, हम लोग सब एक है। और आज अर्धांगिनी पिक्चर की मुहूर्त हुई है, बेहद खुशी की बात है और मैं चाहती हूँ कि हमारे अर्धांगिनी के टीम हीरो, हीरोइन, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, टेक्नीशियन, ऑल एक्ट्रेस एंड एक्टर सबको मेरे तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह करे कि ये पिक्चर जल्द से जल्द कंप्लीट हो और पिक्चर रिलीज हो, सुपर हिट हो, हमारी दिली तमन्ना है, यही हमारी ख्वाहिश है, अल्लाह पूरा करे, अल्लाह से हमारी यही दुआ है। और बस आप लोग इसी तरह प्यार देते रहें और पब्लिसिटी करें, क्योंकि आप लोग के बदौलत तो हम लोग कुछ भी नहीं है। क्षेत्र है और एक्टिंग अलग क्षेत्र है, तो जिस तरह उन्होंने सिंगिंग में अपना कदम जमाया है, मैं यही दुआ करूंगा कि वो जो है
अपने एक्टिंग में भी जो है इंडस्ट्री में कदम रखे हैं, कदम को जमाएं और अच्छा एक्टिंग करेंगे। हमारी दुआएं, हमारा प्यार, हमारा आशीर्वाद उनके साथ। शुक्रिया जी, आप कुछ कहना चाहती हैं फिल्म को लेकर? आप बड़ी बातें कर रही थी केके जी से, जरा बताएं क्या क्या बातें कर रही थे? मतलब क्या बातें चल रही थी फिल्म को लेके कि आपस में क्या? आपस में शायद आपकी तरफ देख देख के बातें कर रहे थे। हम ये बात कर रहे थे जो अय्याज़ अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, इतना अच्छा बोल रहे थे कि मैं बोला इतना अच्छा बोलने लगा है बच्चा। मैं इनका बच्चा ही हूँ, सही बात है ना। जब से मैं जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे जो बड़े साहब भाई का फिल्में और सीरियल्स बहुत देखते थे। सच में इनको देखकर बहुत खुशी होती है। इन्होंने जिस तरह से अपना झंडा लहराया, जिस तरह से इतनी एनर्जी से, और जैसे हम मैंने भी एक एक कदम करके हम बहुत बहुत मेहनत और परिश्रम से यहाँ तक पहुँचे, उसी तरह अय्याज़ भाई भी बहुत मेहनत करके आज स्कूल में मैं मिले हैं। और मैं इन्हीं के साथ हूँ, खुशी की बात है कि मैं इन्हीं के साथ हूँ। बस आप जैसे लोगों की दुआएं हैं, आपकी दुआएं हैं, आपके दुआ आशीर्वाद है, ऊपर वाले का नामोकरम है। और मैं नहीं चाहूँगा कि जिस तरह से ये इज्जत सहूलत हमें मुश्किल इंडस्ट्री से मिली है, मुश्किल समाज से मिली है, ये हमेशा मिलती है। हो सकता है ब्लश कर रहे हैं आप एकदम, माय गॉड क्या बाल बहुत स्टाइलिश लग रहे हैं, आपको देखकर बाल खड़े हो रहे हैं। प्यार का असर हो रहा है जी। आप शुभी जी जब होती हैं पास में तो कुछ इनके लिए भी, ये जो सिंगर्स आपसे उन्होंने गाना सुनाया, आप भी कुछ सुनाना चाहेंगे शुभी शर्मा के लिए? आप शुभी जी ने मेरे लिए गाया ना अभी, तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में बयान ना हो पाए। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। ज्यादा अच्छा ये कि इसका नाम बहुत प्यारा है, और मुझे जब पिक्चर का ऑफर आया उस पिक्चर का नाम मुझे बताया गया अर्धांगिनी, और अर्धांगिनी में हम लोग दो हीरोइन या एक हीरो के अपोजिट। तो अब जब दो हीरोइन जहाँ पे आ जाती है, अब उसमें से कौन अर्धांगिनी है, कैसे क्या ट्विस्ट टर्न आएगा इस पिक्चर में, तो जो कहानी है जब बताया मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, इसलिए मैंने पिक्चर के लिए हाँ किया। और इसमें एक पिक्चर में एक खास बात और है, जो मेरे हीरो है उनका नाम और डायरेक्टर जी का नाम दोनों का सेम नाम है, आई थिंक केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी। सूर्या सूर्या दोनों का नाम चमकता हुआ लाइक, तो मैं चाहूँगी पिक्चर भी सूर्य की तरह एकदम शाइन करे, अच्छी जाए, लोगों को पसंद आए, और कहानी बहुत अच्छी है, दमदार है। दोनों हीरोइन जो है वो हीरो को उसमें बहुत परेशान भी कर रही हैं, और तीनों की केमिस्ट्री जब आप देखेंगे तो आई थिंक जो मेरी ऑडियंस है उसको बहुत पसंद आएगी। मैं हूँ अंजना सिंह जी हैं, सूर्य जी सूरज सम्राट जी हैं, और डायरेक्टर का नाम तो हमारे सूरज राजपूत जी, तो देखिए दोनों का नाम सेम है, मतलब मैं पिक्चर में बहुत कंफ्यूज होने वाली हूँ, इनको आवाज़ दूंगी वहाँ से आवाज़ आएगी। तो बस ये है पिक्चर की कहानी, तो हम लोग मुझसे ज़्यादा अच्छे से आपको पूरा पिक्चर के बारे में ब्रीफ जो इंसान कर पाएंगे वो है हमारे डायरेक्टर जी, तो मैं चाहूँगी आप बोलिए जी के लिए क्या कहानी की आपको बेस एक लाइन में मोबाइल पीछे रखो है, मोबाइल पीछे रखो, फ्रेम में आ रहा है। भोजपुरी समाज को जो चाहिए वो फिल्म हमने करा है, और फैमिली मूवी है ना, हाँ फैमिली मूवी है, नारी प्रधान फिल्म है, नारी प्रधान थोड़ा तो बहुत प्रधान पिक्चर है, बहुत अच्छी फिल्म है, और हम लोग कहानी जो ले आए हैं बहुत ही अच्छा मस्त है, इसका मेकिंग बहुत अच्छा किया गया है। हम लोग 6 महीना साल भर से पहले ही मेकिंग होते आ रहे हैं, और बहुत आप लोग का धन्यवाद जो आप लोग आए हमारे अर्धांगिनी टीम की तरफ से, आपको तहे दिल से धन्यवाद। दूसरे सूरज जी से पूछते हैं, बारे में बताएं। नमस्कार, सबसे पहले आप लोग को सबको प्रणाम, भोजपुरी समाज को प्रणाम, और आप लोग का तहे दिल से थैंक्स कि आप लोगों ने अपना गिनती सुनी। दरअसल बहुत दिनों से हमने प्लान कर रहे थे कि कुछ अच्छा किया जाएगा, हम इंडस्ट्री में 7-8 साल मैंने धीरे धीरे टाइम दिया, काफ़ी छोटे पैदान से स्टार्ट किया था, और अभी भी छोटे पैदान से ही हूँ। एक इससे पहले पिक्चर किए थे केव दीवाना बन नैहर में, हम थे एक बेसिक सिंगर प्रमोद जी थे, प्रमोद प्रेमी, और मज़ा आया था,
मेरी सोलो पिक्चर फर्स्ट है वो पार्लर थी। इसके लिए ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैंने बचपन से सोच के रखा था कुछ करेंगे तो अच्छा करेंगे भोजपुरी के लिए, और काफ़ी लोग करते जा रहे हैं, बड़े बड़े जो भी स्टार हैं हम लोग भी कर रहे हैं, इन्हों बस थिंकिंग अलग है, कुछ अलग कर रहे हैं। जनता के हाथ में है, कितना प्यार देती है, हाथों हाथ उठाती है या फिर नाराजगी जताती है तो उनके हाथ में है, भगवान है वो हमारे लिए। जैसे सबको प्यार दिया है जनता, वैसे हम सबको प्यार दीजिए। इन्हों ज़िंदगी कभी कभी हर किसी को कुछ ना कुछ ट्रेजेडी मोड़ देती है बढ़ने के लिए और आगे नाम कमाने के लिए, हमें कुछ कर दिखाने के लिए तो मौका मिला है आज कुछ करने का। आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग करें, आप लोग के विश्वास को खराब। सूरज जी आपने कहा कि बचपन का वो सपना था जो पूरा हो रहा है, मतलब बचपन से ही सोचा था कि कुछ भी हो जाए शुभी शर्मा को अर्धांगिनी बनाऊंगा। सही बात, एब्सोल्युटली राइट। जब ये पिक्चर लिखी जा रही थी तो मेरे माइंड में पहले से कास्टिंग को लेकर सुभी जी बैठी हुई थी। एक चुलबुली सी लड़की है, नटखट है, वो चीज़ था। तो मैंने डायरेक्टर सर से बार बार डिस्कस कर रहा था, यार ऐसा होना चाहिए, एक आर्टिस्ट परफेक्ट है ऐसा होना चाहिए। इसमें अंजना जी भी हैं थोड़ा सा, मैं उन्हें मिस भी कर रहा हूँ। इसमें संजय पांडे जी हैं, आई लव यू भैया, मैं उन्हें मिस कर रहा हूँ। मैं उनसे कल बात हुई थी, बोले बाबू नहीं आ पाऊँगा। मनोज टाइगर जी को धन्यवाद दिल से, उन्होंने भी कॉल करके बोला बेटा नहीं आ पाऊँगा, थोड़ा सा बिजी है सुबह। बट अंजना जी और सुभी जी के लिए जब से मैंने भोजपुरी देख रहा हूँ या फिर मैं हम लोग कर रहे हैं, तब से मेरे माइंड में था कि अगर मैं फ्यूचर में कभी कुछ किया तो ये मेरे कास्ट में जरूर लोग हैं जो अभी हैं फ्रेम में अभी जो दिख रहे हैं। तो ड्रीम प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट था, रियली बता रहे हैं। ड्रीम को पूरा करने के लिए हम लोग अन्ना जी में अभी आने वाली नहीं रहुआ हिंदुस्तानी एन एस थ्री जो मुंबई में भी अगले वीक में आ रही है, हम लोग वेट भी कर रहे हैं। और आई गॉड ब्लेस यू कि भगवान से दुआ भी करेंगे कि वो अच्छी जाए, क्योंकि आपकी आपसे हम लोग की मूवी जुड़ी है, उन्होंने सब लोग दूसरे से कॉन्टेक्ट है। थोड़ा सा बिहार में हो चुकी है रिलीज, बिहार में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा, मतलब ऑडियंस ने अभी शर्ट के ऊपर हम लोग इधर है। अर्धांगिनी वाले सब्जेक्ट पर वापस आते हैं, डायरेक्टर साहब ने बताया जरा कब से शुरू हो रही है, फिल्म कहाँ कहाँ शूट करेंगे आप लोग? ये शूट हमारे बिहार में ही होगा, हमारे भगवान अपना होम टाउन में शहर में शूट कर रहे हैं, तो सारा वहीं पे हम लोग करेंगे। थोड़ा म्यूजिक गाने बाकी लोग जो है उन्हें भी उनके क्रेडिट लाइन में किन किन के नाम वगैरह पढ़ते हैं? म्यूजिक में हमारे अमन सर जी हैं, बहुत ही अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर हैं, माइंड ब्लोइंग डायरेक्टर म्यूजिक डायरेक्टर हैं। चाहते हैं कि म्यूजिक डायरेक्टर यहीं पर है शायद ऐसी पिक्चर हाथ में ऑफर आई मुझे जिसमें मेरा एक अलग करेक्टर है जिसकी आज तक आपने हमेशा हमेशा देखा है, वो होगा भोली भाली सीधी सीधी सादी सिंपल लड़की। शुभी शर्मा ने आज तक जितने भी रोल किए हैं प्ले, वो मतलब उनका जो मेरा खुद का करेक्टर है मैंने वही आज तक प्ले किया था, बट हिंदुस्तान में पहली बार मैंने कुछ ऐसा प्ले किया जैसे मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, चंड शातिर चाला बट उसमें एकदम डिफरेंट है। और आई एम सो एक्साइटेड, दिनेश जी के साथ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा काम करके, और बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट है नो डाउट, ऑब्वियसली वो स्टार हैं, तो उनके साथ में हमें पाली जी के साथ में तीनों की केमिस्ट्री भी अच्छी बहुत अच्छी हो गई थी कि कैसे शूटिंग शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ, मतलब बिल्कुल आइडिया नहीं हो पाया कि कब पैकअप होने वाला है, ऐसा हुआ फिर। अब मंजुल ठाकुर जी के डायरेक्शन में मैंने काम किया तो एक बहुत ही अच्छी पारिवारिक पिक्चर की बहुत टाइम के बाद, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और बहुत खुश हूँ कि लोगों ने इतना पसंद किया, इतना प्यार दिया हमारे पिक्चर को। तो हम लोग जो भी कुछ होते हैं वो हमारी ऑडियंस की वजह से होता है, और धरोवा हिंदुस्तानी फिल्म को ऑडियंस ने इतना लाइक किया, पसंद किया, थैंक यू सो मच। आज बसंडे सुन लह गोरी हमारा तरफ से बपाटी, मिल के प्यार करे के ऐसन ही ले लागी काटी पार्टी, हॉल नाइट पार्टी। क्या बात है, सिंगर भी है अभी पता चल रहा है, लवली गुड नाइट। और अब हम सुभी जी को आप लोगों को पता चल गया है सिंगर है, तो उनके लिए भी एक गाना सुना दीजिए। हां सुभी जी के लिए स्पेशली, हां सुनाइए आपके फिल्म की हीरोइन। हां मेरी पिक्चर की हीरोइन है ये, रिक्वेस्ट कर रहा है भाई, नाइस है। जी हां।
जब से तोहरा से अखिया मिलवले हई। वादर सर कौन जी का पैच वर्क है, याद आ जाता है कभी कभी तो गुनगुना दिया करते हैं जब इनकी राइटिंग हो रही थी इनकी स्क्रिप्ट में लेके। दिल के धड़कन में तो हके बसवले हई, जान तू जान ला जान तुहरे में बा हो तुहरे में बा, प्यार में नई खी गोरी हम बेवफा।